आखिरी बार सब गुवेन को ढूंढ रहे थे। गुवेन इस जगह से यिलगाज को कॉल किए जा रहे हैं, पर वो काट रहा है। मेलिस यिलगाज से पूछती है कि क्या गुवेन कॉल कर रहा है। यिलगाज कहते हैं नहीं, कोई और है। मेलिस कहते हैं उससे दूर रहना। यिलगाज कहते हैं उससे मैं 4-5 बार ही मिला हूँ, क्यों हेल्प करूँ उसकी। मेलिस रेडी होकर अपनी अम्मी के साथ किसी पार्टी में जाने लगती है। कहती है तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। यिलगाज कहते हैं नहीं नहीं जाओ, मेरी तबीयत खराब है ना, अम्मी को अकेला मत छोड़ो। मेलिस चली जाती है, यानी यिलगाज कुछ करने वाला है। सेलिन घर पे ही रहेगी। उसकी अम्मी उसके और तोपरा के फिर से रिलेशनशिप में आने से उसे डांटती है। सेलिन कहती है अपने दामाद के बारे में सोचे, वो गुवेन से मिला हुआ है। सेलिन की मॉम कहती है दोस्त भी तो हो सकते हैं वो लोग। एनीवेज सबके जाने के बाद गुवेन से यिलगाज कहते हैं कि पुलिस तुम्हें इजमिर में ढूंढेंगे, तुम्हारी नाव तैयार है। गुवेन कहता है और अचेलिया? यिलगाज कहता है उसे भूल जाओ, तुम मुश्किल में पड़ सकते हो, उसका भी भरोसा नहीं। गुवेन कहता है उसके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी सेलिन बिना बताए यिलगाज के रूम में आ जाती है। यिलगाज कॉल काट देता है, कहता है नॉक करके नहीं आ सकती, मेरे बिना रहा नहीं जाता क्या। सेलिन उसे गालियाँ दे के कहती है कौन था ये कॉल पे, गुवेन था ना, उसकी हेल्प कर रहे हो ना तुम। यिलगाज कहता है तुम्हें क्या। सेलिन उसका फ़ोन देखने वाली थी। यिलगाज फ़ोन हटा लेते हैं और उसे गुस्सा दिला देते हैं। सेलिन को लगा कि वो डराएगी और यिलगाज बता देगा सब। इधर तोपराग सेलिन से मिलने जाता है तो जैनसेट कहती है तुमने उसे माफ़ कर दिया। तोपराग कहते हैं तुम भी तो गुवेन पे भरोसा करती थी, देखा ना क्या हुआ। जैनसेट कहती है मैंने भरोसा नहीं किया था उस पे, मैंने उसका फ़ायदा उठाया था, वो मेरा ख्याल रखता था तो मुझे अच्छा लगता था। तोपरा कहते हैं तुमसे डर लगता है मुझे। जैनसेट कहती है डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, बस सेलिन को जला सकती हूँ। तोपरा उसका मुंह बंद करके जाने लगते हैं। जैनसेट यार वो तुम्हारा भाई है। एनीवेज तोपरा कहते हैं गुवेन की कॉल मत उठाना। जैनसेट कहती है वो एक अंधे से क्यों हेल्प मांगेगा, पर अगर मांगे तो हेल्प कर दूंगी बेचारे को। तोपरा कहते हैं तुम्हें लगता है कि वो बेगुनाह है। जैनसेट कहती है ऑफकोर्स। तोपराग कहता है अगर ऐसा होता तो वो भागता नहीं। जैनसेट कहती है क्या तुम गुनहगार थे इसलिए तुम भाग रहे थे। तोपराग चुप हो जाता है, यानी वो भी गुनहगार नहीं था पर भाग रहा था, हो सकता है गुवेन भी गुनहगार ना हो। इधर कमिश्नर अचेलिया के घर वालों से कहते हैं गुवेन कातिल ना होता तो भागता नहीं। जसूर कहते हैं तोपराग भी भाग रहा था। कमिश्नर कहते हैं उसकी बात अलग है, वो थोड़ा अजीब सा है। अचेलिया पूछती है क्या सच में वो कातिल है। पुलिस कहते हैं वो तुम्हारा दीवाना है, मुझे लगा तुम्हारे लिए ये सब कर रहा है, पर उसके भागने से बात कुछ और ही लग रही है। आचेलिया का डैड डरता है अपनी बेटी के सेफ्टी के लिए। कमिश्नर कहता है हमने 2 ऑफिसर्स आपके घर के सामने रखे हैं। आचेलिया को अपना नंबर देके कहता है अगर गुवेन से बात हो तो मुझे कॉल करना। आचेलिया मान जाती है। इधर तोपराग और सेलिन असली के पास आए हैं। तोपरा कहता है एरन ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें ए से बचाने के लिए तुम्हारे कॉलेज आया था, उस दिन उसने तुम्हारे बैग को जानबूझ के चुराया था कि तुमसे मिल सके, वो अपनी बहन को नहीं बचा पाया, उसे लगता था ए का अगला शिकार तुम हो, वो किसी और को ए का शिकार नहीं बनने देना चाहता था, उसी ने अदालत में मेरे लिए सबूत भेजा था ताकि मैं बेगुनाह साबित हो सकूं, यानी एक ही आदमी हमें बचा भी रहा था और हमें फंसा भी रहा था। असली कहती है उसने एक बार कहा था कि वो मुझे खुद से बचा रहा है, मैंने प्यार में नोटिस नहीं किया। इधर यिलगाज अचेलिया के घर के बाहर खड़ा है, प्लानिंग कर रहा है अचेलिया को गुवेन के पास ले जाने के लिए, पर वो देखता है बाहर गार्ड्स है। जसूर अचेलिया के पास आके दिखाता है कि किसी ने फ्लावर्स भेजे हैं उसके लिए, लिफाफे पर बिलदान का नाम है। अचेलिया लेटर खोल के चुप हो जाती है। जसूर पूछता है तो वो कहती है कि बिलदान ने उसे इनवाइट किया है। जसूर ये सुन के चला जाता है। अचेलिया जल्दी से कोड वर्ड्स मार्क करती है उस लेटर में, लिखा है गुवेन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, यानी ये यिलगाज ने भेजा है। इधर हांडे और बारिश को पता चलता है कि गुवेन के पीछे पुलिस पड़ी है और हांडे की अम्मी ने कमिश्नर को ए के बारे में सब बता दिया है। हांडे अपनी अम्मी को डांटती है, उसकी अम्मी कहती है उसी ने तो बारिश को मारा था ना, तो पुलिस को पता चलना चाहिए सब। हांडे कहती है हाँ, पर कौन से ए ने मारा उसे वो तो नहीं पता। बारिश कहता है मैं बहुत दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, अब चलना चाहिए। हांडे अपनी अम्मी की तरफ देखती है तरसती निगाहों से। उसकी अम्मी कहती है बारिश जब तक ये ए या बी जो भी है वो ना मिले तब तक रुक जाओ। हांडे बारिश को खींच के बिठा लेती है। इधर अचेलिया अपने डैड को मना लेती है कि वो सेलिन के घर जाए, कहती है सब वहाँ पे है, मैं भी जाना चाहती हूँ। उसका डैड ना चाहते हुए भी मान जाता है। अचेलिया उन 2 गार्ड्स के साथ सेलिन के घर जाती है। यिलगाज दरवाज़ा खोलता है और कहता है लड़कियाँ अंदर है। अचेलिया अंदर जाती है तो गार्ड्स चले जाते हैं। अंदर यिलगाज कहते हैं गुवेन की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। अचेलिया यिलगाज के साथ जाने लगती है गुवेन के पास। बाहर सेलिन और तोपराग उन लोगों को जाते हुए देख लेते हैं, हैरानी होती है, ये लोग उनका पीछा करते हैं। यिलगाज अचेलिया को इस जगह छोड़कर चला जाता है। अचेलिया डर जाती है। सेलिन लोग भी आकर देखते हैं ये सब और कहते हैं कैसा हैवान है ये, अकेला छोड़ दिया इसे। गुवेन अचेलिया को देख के इमोशनल होता है और उसके सामने आता है। सेलिन देख के शॉक्ड। गुवेन उसके पास आके उसे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं मुझे पता था कि तुम आओगी, अब मरने पर भी कोई अफसोस नहीं। अचेलिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, कहती है तुमने मेरे भाई को मारा। गुवेन कहते हैं नहीं,
तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? अचेलिया कहती है, अब किसी पे भी भरोसा नहीं। गुवेन उसे प्यार करके कहता है, कोई बात नहीं मेरी जान, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब तुम्हें मुझ पे पहले जैसा यकीन हो जाएगा, तब तुम मुझे एक अनजान आदमी जैसे नहीं देखोगी। एक आदमी मुझे ले जाने वाला है अभी, मेरे साथ चलो। अचेलिया कहती है, क्या? गुवेन कहता है, तुम ही तो मेरे साथ भागना चाहती थी ना पहले, मैं ही मना कर देता था क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे। अचेलिया कहती है, वो माजी था, अब नहीं जाना मुझे, तब मुझे पता नहीं था ये कौन है। गुवेन कहते हैं, अब भी तो नहीं पता ना, एरन का एक साथी था जिसने उसे मारा। अचेलिया को देख के कहते हैं, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने ही उसे मारा? तभी सेलिन आ जाती है। अचेलिया पूछती है, तुम हमें फॉलो कर रही हो? सेलिन कहती है, हाँ। गुवेन से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो? तभी पीछे से तुपरा गुवेन को पकड़ लेता है और सेलिन से पुलिस को कॉल करने कहता है। अचेलिया कहती है, ज़रूरत नहीं। गुवेन छटपटाता है और तुपरा को छोड़ने कहता है। तभी कमिश्नर आ जाता है, गुवेन से कहता है, सरेंडर हो जाओ। गुवेन अचेलिया की तरफ देखकर कहते हैं, तुमने मुझे फंसाया है ना? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अचेलिया ने जब यिलगाज़ की नोट पढ़ी उसके बाद उसने कमिश्नर को कॉल किया था। गुवेन अचेलिया की तरफ हैरान होकर देखता रहता है, यानी तुमने ही मुझे धोखा दे दिया? अचेलिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कमिश्नर गुवेन को अरेस्ट करके ले जाता है। देखकर लग रहा है कमिश्नर को बहुत बुरा लग रहा है, जैसे कि किसी कोने में उसे पता है कि गुवेन बेकसूर है, पर गुवेन अचेलिया की तरफ बेसहारा होकर देखता ही रहता है। सुबह अदालत में जज पूछता है गुवेन से कि तुमने ही एरन को गोली से मारा, क्या तुम्हें सफाई देनी है? गुवेन कमिश्नर की तरफ देखने के बाद कहते हैं, हाँ मैंने ही मारा। कमिश्नर अफसोस करने लगता है। इधर आसली की मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे दोस्त आए हैं। आसली जाने लगती है, उसकी मॉम उसे संभाल कर ले जाती है। नीचे सब काले कपड़ों में है। आसली कहती है, तुम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं। ये लोग उसे गले लगा कर कहते हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एरन का जनाजा होता है। आसली बहुत रोती है, उसे सारे पल याद आते हैं। एरन का गाया हुआ गाना बजता है बैकग्राउंड में। उसे लगाता है कि सपनों जैसा प्यारा रिश्ता सच्चाई में उसे मिल रहा है, पर हर सपने के पीछे एक काला सच होता है जो उसे तोड़ देता है आखिर में। सेलिन कहती है, एरन के रिश्तेदार कहाँ हैं? इतना खाली क्यों है उसका जनाजा? अचेलिया कहती है, उसके डैड यानी मेरे डैड की डेथ हो गई है और एरन अपनी अम्मी से नहीं मिलता था। उसकी फैमिली में सिर्फ मैं ही थी। जनाजा ख़त्म होने के बाद आसली एरन के कब्र को छूती है बेसहारा होकर। ये लोग कहते हैं, यकीन नहीं होता कि ए से छुटकारा मिल गया और दूसरा ए जेल में है। अचेलिया आसली को समझाती है कि चीज़ें और बिगड़ती, उससे पहले ही सब ठीक हो गया, प्लीज़ और मत रो। आसली कहती है, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तभी सबको मैसेजेस आती है। सबको लगा शॉक। मैसेज में लिखा है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अब भी तुम सबको देख रहा हूँ। सब के सब शॉक्ड, सबकी बोलती बंद। आप एक एक के एक्सप्रेशंस पर गौर करना ज़रा। वैसे सच में एरन की फैमिली में क्या रिश्तेदार भी नहीं है? और क्या इन्होंने लाश ठीक से देखी भी है? अभी तक यही प्रूव हुआ कि एरन ही ए था, उसकी डेथ हो गई। फिर प्रूव हुआ कि गुवेन दूसरा ए है, उसी ने एरन को मारा और अभी सज़ा काट रहा है। लेकिन फिर ये मैसेज किसने किया? क्या एरन जिंदा है या फिर कोई तीसरा ए भी है, या फिर इन लोगों में से ही कोई ए है? एनीवेज, एपिसोड ख़त्म।